हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फ्रेंड्स, तो डिस्कशन करते हैं सेशन में हम लोगों को निफ्टी 50 में किस तरह का मोमेंटम हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो आज के पेट हम लोगों को अच्छा खासा डाउन साइड से अप साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला, और सेकेंड हाफ के बाद देखिए मार्केट कम्प्लीटली यहाँ पे बुलिश बन चुका था, कंटिन्यू अप साइड का ही मोमेंटम यहाँ पे कर रहा था मार्केट। और देखिए मॉर्निंग में मार्केट जो यहाँ पे ओपन हुआ, पहला कैंडल यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा कैंडल बना था, उसके बाद देखिए नेगेटिव कैंडल बनता है। और फिर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर टेलीग्राम पे आप लोगों को कुछ अपडेट भी किया था, तो देखिए जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहाँ जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप लोग एक बार जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। और देखिए जो लोग चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आप लोग को पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। उसके बाद देखिए फिर मार्केट यहाँ पे एक रेंज में था, बिल्कुल छोटा सा रेंज में था, फिर जब यह ब्रेकडाउन मिला फिर से यहाँ पे हम लोग को मोमेंटम मिला, वहाँ पे मैंने आप लोग टेलीग्राम पर अपडेट किया था। फिर देखिए जब यहाँ से मार्केट रिवर्सल करके फर्स्ट टाइम ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे मैंने आप लोग अपडेट किया। तो देखिए बहुत सारी चीज़ आप लोग डेली बेसिस पे मिस कर रहे हैं, न्यूज़ हो गया, अलर्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वहाँ पर शेयर करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर जाके। तो अभी देखिए करना क्या है, कुछ भी नहीं, कल के दिन हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे करना क्या है, सिंपल से यहाँ पे देखिए आज इस तरह से मार्केट हम लोगों को डाउन साइड से एक अच्छा खासा यहाँ पे अप साइड में मोमेंटम मिला है, ये बहुत अच्छा मोमेंटम था फ्रेंड्स। और देखिए जो लोगों ने कल का वीडियो देखा था, हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्लियर कट कि हम लोगों को फ्रेश सेलिंग जो है 24,800 के नीचे देखने के लिए मिलेगा। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो हम लोग को यहाँ से फर्दर सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है, अदरवाइज देखिए 24,800 के पास से यहाँ पे मार्केट में अगर मे भी हम लोग को थोड़ा सा पुल बैक भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि देखिए ये एक बहुत ही सपोर्ट लेवल है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस टाइम में बताया था कि मार्केट अगर 24,000 के नीचे निकलता है तो हम लोग टारगेट सीधे 23,800 तक देखने के लिए मिल सकता है। और उसके बाद डिस्कशन किए थे कि 23,800 के नीचे निकलेगा तो फिर हम लोग को डाउन साइड में और 300 का फॉल हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आज देखिए कम्प्लीटली मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट क्रिएट किया, यहाँ पर प्रीवियस टाइम सपोर्ट था, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेता है और यहाँ से हम लोग को एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिलता है। और देखिए कल के सेशन में हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था कि 24,100 से लेकर 50 फ्रेश सेलिंग जो मतलब यहाँ पर फ्रेश सेलर वहाँ पे फिर से ऐड हो सकते हैं, लेकिन मार्केट देखिए क्या हुआ, फर्स्ट टाइम यहीं से फिर सेलिंग आना स्टार्ट हो गया मॉर्निंग में ही, और इसलिए मैंने आप लोगों ने टेलीग्राम पर अपडेट भी किया था। उसके बाद जब सेकंड टाइम किया था फिर सेलर यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं थे, अगर सेलर फिर मार्केट में एक्टिव रहता ज़्यादा तो ये हाई क्रॉस नहीं होने देते, वो लोग यहीं पर कंसोलिडेशन करते मार्केट को फिर नीचे लेके आते। लेकिन जब ये रिकवरी करने लगा अपसाइड में तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो लोग भी शॉर्ट करके बैठे होंगे जो उन लोगों का सभी के यहाँ पे एसएल जाने लगा कंटिन्यू फिर से मार्केट में। और अभी देखेंगे तो देखिए अपसाइड में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 24,200 का, ये लेवल है अभी एक रेजिस्टेंस और क्लोजिंग का क्लोजिंग भी हम लोगों को उसके पास में मिला हुआ है। तो कल के सेशन में अगर मान लीजिए निफ्टी 200 के ऊपर सस्टेन करता है, 24,200 के ऊपर सस्टेन करता है, तो वहाँ पर एक बार बाइंग साइड की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 300 से लेकर 400 हमारा वहाँ पर टारगेट प्लानिंग होना चाहिए इंटरडे बेसिस पे। और डाउन साइड में देखिए अगर 200 के नीचे ही बना रहता है तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे फिर से थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेलिंग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जो मोमेंटम है ना ये मतलब एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग खुद ही देखिए यहाँ पे कितना जल्दी यहाँ पे मार्केट में रिकवरी किया आज इस हिसाब से। और कल अगर मार्केट गैप डाउन हो जाएगा तो फिर यहाँ पे कुछ ट्रैप का सिनेरियो बन सकता है, अदरवाइज अगर गैप अप होता है तो ये केस में देखिए अगर मार्केट सीधे 24,400 के पास गैप अप होगा तो यहाँ पे देख रहे आप लोग प्रीवियस सेलिंग एरिया यहीं पे है, तो यहाँ पे फिर से अगर मार्केट गैप अप होगा तो सेलिंग का चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएगा फिर से। तो गैप अप के केस में मार्केट अगर रेजिस्टेंस के पास ओपनिंग होता है 24,400 के पास तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेलर्स एक बार फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं और कहीं ना कहीं फिर से वो सेलिंग देखने के लिए मिलेगा गैप अप के केस में। लेकिन ये लेवल पर ओपनिंग होना चाहिए 24,400 के आसपास में ओपनिंग होना चाहिए, फ्लैट ओपनिंग होगा फिर तो 200 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो बाइंग के लिए प्लानिंग करेंगे। गैप डाउन के केस में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए डाउन साइड सपोर्ट बन जाएगा, अप साइड रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा या फिर देखिए साइडवेज का प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए गैप डाउन के केस में क्या है ना, जो लोग यहाँ पे बाय करके रखे होंगे वो लोग होल्ड करेंगे, अगर मार्केट में गैप डाउन होता है पहला कैंडल बुलिश बनता है तो फिर जो लोग यहाँ पे बायर ऐड हुए हैं वो लोग यहाँ पे बाय को होल्ड करेंगे। आज जैसे क्या हुआ देखिए, सिंपल सा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देखिए सेम कंडीशन आज बना था, वो चीज़ मे भी कल हो सकता है, नेक्स्ट डे भी हो सकता है, तो ये सब चीज़ें आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्रीवियस देखिए मार्केट में मोमेंटम था और आज देखिए मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है, लेकिन पहला कैंडल यहाँ पे बुलिश बनता है। चलिए यहाँ पे 50 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आप लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम में समझाता हूँ और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए प्रीवियस मोमेंटम था बाइंग का, नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होते रहेंगे, पहला कैंडल इमीडिएट रिकवर करता है। अब आपको अगर मान लीजिए आप खुद ही कोई पोजीशन लेके बैठे हुए हैं ओवरनाइट और आपको प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खोलता है, तो डेफिनेटली आप 2-3 मिनट तो वेट करके देखेंगे ना कि मार्केट किस साइड मोमेंटम कर रहा है,
फिर मान लीजिए क्या होता है, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो तो आपको कहने थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग आया कि मार्केट चलो गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, मे भी क्या होगा नहीं होगा, जल्दी सर जो भी होगा नेट टू नेट या फिर थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकाल देंगे, लेकिन इमीडिएट एक बुलिश कैंडल बन जाता है, तब तो क्या होगा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि नहीं चलो ठीक है हमारे फेवर में मार्केट मे भी ओपन ना हुआ लेकिन स्टिल हम लोग जो क्लोजिंग प्राइस था प्रीवियस डे उसके आसपास में भी ट्रेडिंग हो रहा है तो मैं पोजीशन को होल्ड कर लूँगा अपना। उसके बाद देखिए दो सेलिंग कैंडल बनता है, फिर देखिए बाइंग कैंडल बनता है। तो इस तरह से क्या होता है ना, यहाँ पे जो पहला कैंडल बन जाता है ना इसमें होप क्रिएट हो जाता है कि नहीं चलो इतना अच्छा बुलिश कैंडल बना तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही जाएगा, लेकिन इस केस में जो लोग भी होप लेकर बैठे रहते हैं उनका देखिए डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आता है और प्रीवियस जो लोगों का एसएल रखेंगे वो एसएल लेगा, फिर यहाँ से मार्केट में ऊपर निकल गया आज। तो ये कंडीशन कल हो सकता है, अगर गैप डाउन खुलेगा तो मे भी सेम कंडीशन हो जाएगा, या फिर गैप डाउन के केस में मान लीजिए ये जो कंडीशन बना सी कंडीशन में हो सकता है या फिर यहाँ सेलिंग भी आ सकता है। तो कल देखिए मार्केट कौन से लेवल पर ओपनिंग होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। और देखिए और एक फर्दर जो बाइंग वाला एरिया ना मैं आप लोग बता रहा हूँ प्रीवियस टाइम से बता रहा हूँ, ये बता रहे देखिए 24,500 ये लेवल नोट करके रख लीजिएगा। मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करना अगर स्टार्ट करता है तभी हम लोगों को ओवरऑल बुलिश कहीं ना कहीं मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। आज देखिए डे टाइम फ्रेम पे हो सकता है हम लोग एक अच्छा खासा पॉजिटिव कैंडल देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन स्टिल जब तक ये प्रीवियस स्विंग क्रॉस नहीं करता है कहीं ना कहीं मार्केट में नेगेटिविटी रहने वाला है। 24,500 प्रीवियस स्विंग एरिया है तो उसको ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज देखिए 23,800 सपोर्ट था कल यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग के उसके आसपास, कल भी लास्ट आवर्स में रिजेक्शन देखने के लिए मिला था, आज भी देखिए मार्केट यहाँ पे आया लेकिन ब्रेक नहीं किया फिर से यहाँ पे ऊपर निकल गया मार्केट। तो फर्दर सेलिंग कब देखने के लिए मिलेगा जब मार्केट में 23,800 के नीचे सस्टेन कर, मतलब 23,800 से नीचे निकलेगा तभी मिलेगा, अदरवाइज अभी जिस तरह से आज कैंडल बना है तो हम लोगों ने अभी जो डिस्कशन किया उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। हो सकता है फिर आप लोगों का कुछ और प्लानिंग हो तो आप लोग उसके हिसाब से भी एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन स्टिल जो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कशन किया उसको आप लोग नोट करके रखिएगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।